Hey guys, welcome back to my YouTube channel Rich Vlogs. I hope you guys are doing fine. So this is Binod Bhau and आज हम जा रहे हैं अपनी विनोद को लेके wheel balancing, wheel alignment कराने. तो आपसे मिलते हैं आगे एंड मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़रूरी है व्हील बैलेंसिंग व्हील अलाइनमेंट कराना अपनी गाड़ी का, कैसे कैसे आप नुकसानों से बच सकते हैं व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट कराने के बाद. तो मिलते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हो बंदा आ गया है यहाँ पे, अब काम शुरू होने वाला है. ये अभी धीरे धीरे इनको निकाल लेगा टायर्स को बाहर. हाँ आज ही हम ही ने चेंज किया था, ढीला होगा ना. हाँ काफ़ी ढीला है. अरे स्टेपनी निकाली है, स्टेपनी में भी पंचर आ गया पता नहीं कैसे. जब भी आप स्टेपनी वगैरह लगाएं तो ये ध्यान रखें. मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं ढीले छोड़ देता हूँ, मैं बाद में आगे जाके किसी न किसी से टाइट कर देता हूँ. तो दिस हैपन्स. तो अभी ये टायर हम निकालेंगे. इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि साइड लीकेज का. तो वो लीकेज को हटाने के लिए अब ये बता रहे थे कि टायर्स में रस्टिंग आ जाती है. जो इसके ये व्हील्स है स्टील रिम्स, इसमें रस्टिंग हो जाती है. इसकी वजह से जो है एयर लीकेज के पोर्ट्स बन जाते हैं, एयर लीक होती रहती है. अभी वो सारे नट्स लूज कर रहा है, धीरे धीरे उठाएगा. पहले ले जाएंगे हम अंदर, इसकी क्लीनिंग होगी एंड उसके बाद जो है इसकी बैलेंसिंग. तो भैया हमारे दो टायर तो निकल चुके हैं, दो टायर लेके बंदा जा रहा है. ये अपोलो शॉप है, दे आर सिंह टायर्स करके हैं, दे आर होल सेल डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपोलो. और यहाँ पे हम चले गए. सबसे पहले मैं आपको इधर दिखा दूँ, ऑन माई लेफ्ट ये है व्हील अलाइनमेंट की मशीन. इसमें हर कंपनी की, हर गाड़ी के अपने अपने कैम्बर अलाइनमेंट उसके प्रीसेट्स देती है हर कंपनी. तो इसमें ऑलरेडी सेव हैं. जैसे ही ये कंप्यूटर खोलते हैं दे विल पंच इन द नेम ऑफ द कार एंड उसके बाद वो प्रीसेट्स आ जाते हैं, फिर वो अलाइनमेंट करते हैं. एंड दिस इज़ द व्हील बैलेंसिंग मशीन. ये क्या है, व्हील जब आप चलाते रहते हो तो कई बार ऐसा होता है हल्का बेंड हो जाता है, उसके बाद ऐसा होता है टायर कम हो जाता है. तो उसमें जो वेट लगता है वो इस मशीन से लगाया जाता है ताकि बैलेंस रहे, वॉबलिंग वगैरह का प्रॉब्लम ना आए. उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, ये दिस इज़ द टायर चेंजर मशीन. यहाँ आवाज़ आ रही होगी क्योंकि एयर प्रेशर ये लोग यूज़ करते हैं. एंड अंदर इनके ये इनका वेयर हाउस टाइप का है, काफ़ी बड़ा सा है, काफ़ी टायर वगैरह पड़े हुए हैं. अंदर इनके पास एक वो भी है जो ये स्टील रिम टेढ़े हो जाते हैं उनको सीधा कर सकते हैं. ओह माय गॉड, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी. तो ये अभी इन एयर प्रेशर जो इन टायर से था वो रिलीज कर दिया है, उसके बाद अभी टायर चेंजर पे डालेंगे इसको. तो ये कर दिया इन्होंने टायर चेंजर पे हमारा टायर सेट. अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो है इसके साइड से टायर को निकाल रहे हैं. दिस मशीन इज पावर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी एंड एयर प्रेशर. एयर प्रेशर पीछे इनका एक एयर टैंकर लगा हुआ है, उसमें बंदा रहता है. उसके बाद ये पेडल्स लगे हुए हैं, इन पेडल से ये ऑपरेट करता है. लुक एट दिस, नाउ इट स्टार्टेड रोटेटिंग. तो ये अब धीरे धीरे इसको कम कर लेंगे. देन ये ग्रेट. तो दिस इज हाउ टायर चेंजर वर्क्स. इसको लगाने के बाद पूरा टायर आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो है स्टील रिम से बाहर हो चुका है. इसे निकालना होगा निकाल लेंगे, नहीं निकालना होगा तो रस्टिंग के लिए उतरने के लिए. ये देखिए ये पूरा टायर हमारा जो है निकल गया. अब इसको मैं क्या कराऊंगा, इसको साथ ही के साथ मैं रोटेट भी करा दूँगा, अंदर का साइड बाहर हो जाएगा, बाहर का साइड अंदर. हाँ तो भाई अभी हम क्या करने जा रहे हैं इसमें, अच्छा व्हील की सफाई कैसे करोगे, ब्रेकमार लगा के. वैसे ये है तो व्हील वेट मैनेजमेंट की मशीन, कैसे व्हील बैलेंस वगैरह करते हैं. बट ये हैक है, जब आपके साइड गंदे हो जाएं उसमें रस्टिंग हो जाए तो इन्होंने अभी इसको पुश ऑन कर दिया, ये चलता रहेगा और ऐसे ही रेगमाल लगाते रहेंगे. तो पूरा जितना भी रस्टिंग है, रेगमाल मीन सैंड पेपर लगा के पूरे ये रस्टिंग जो है निकाल देंगे इसको. उसके बाद ये क्या करेंगे, इन साइड्स में मोबिल लगा के मेरे लगभग क्या ऑलमोस्ट तीन टायर निकाले हुए हैं. तीन रिम है, एक वहाँ लगा हुआ है, दो ये हैं. तो इन तीनों में ये प्रॉब्लम है कि अपने आप खड़े खड़े हवा निकल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए इसी को क्लीन करा के अब ये ऐसे चेक कर लेंगे, जितनी भी रस्टिंग होगी रस्टिंग पूरी साफ़ कर देंगे इसमें से. एक साइड का ऑलमोस्ट डन हो गया है, दूसरे साइड का अब ये कर रहे हैं. एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इसमें देखने में पता चल रहा होगा कि मेरे जो ये स्टील रिम्स हैं दीज आर थोड़े थोड़े बेंट हैं हर जगह से. अब है क्या, इतनी ज़्यादा गाड़ी चल चुकी है कि अब ये सब चेंज कराने वाले हो गए. तो मैं सोच रहा हूँ जब तक चल जाएँ उसके बाद सीधे अलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल करा.
मोबाइल एप्लीकेशन शुरू हो गया है, नीचे मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल ब्रश हाथ में है, हाथ में लगा के भाई पूरे व्हील यू नो स्टील रिम को इस पूरे मतलब नहीं जो साइड्स है उसमें पूरे अच्छे तरीके से मोबाइल लगा देगा, जिससे रबड़ और जो ये रिम है ना इसके बीच के जो पोर्स रहेंगे उसमें मोबाइल आने की वजह से एयर लीक करने का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो है ये हो चुके हैं क्लीन, इनमें लग चुका है मोबाइल। तो अभी अभी हमने एक चीज़ और देखी कि ये जो हमारी वॉल बॉडी है ड्राई होके इसमें देखिए क्रैक्स आ गए हैं। इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है, सारी हवा निकल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड अ वॉल बॉडी। ये मैंने उसको नया लगाने के लिए बोल दिया है। इसको यहाँ से लोग क्या करेंगे, यहाँ से लोग कट कर लेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से निकाल लेंगे। दिस इज़ यूज फॉर पुटिंग एयर प्रेशर इन द टायर। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, ये जब टायर खुलता है तभी पता चलता है, या फिर इसको अगर पानी में डाला जाए तो पता चलता है। नहीं तो ये है नई हमारी वॉल बॉडी, ये वाली लगती है हमारे टायर में। अब भाई इसको लगा देगा, लगा दो भाई। तो आज यहाँ आने से ना कई सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी मेरे यहाँ आने से। पूरा वीडियो देखिए एंड यू नो लर्न अबाउट इट, क्योंकि आधी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं जब हम काम कराने जाते हैं। ये निकल गई हमारी वॉल बॉडी, अब लगानी है नई वॉल बॉडी। ये क्या साबुन का पानी लगाया, ये लग गई परफेक्टली फाइन। अब इसको जब पानी वानी डाल के बाद में इसको भी चेक कर लेंगे। एक मिनट देखिए, अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिख रहे हैं वैसे क्रैक्स वगैरह। टायर रोटेशन ये बता रहे हैं, टायर पलटना है एक तरफ। एक्चुअली होता क्या है गाड़ियों में लगे एक तरफ के टायर ज़्यादा खा जाते हैं, एक तरफ के सही रहता है, तो टाइम टू टाइम वो भी रोटेट करा लेना चाहिए। तो किस तरफ का लगाएंगे हम बाहर को, ये वाली तरफ हम बाहर को लगाएंगे और ये वाली तरफ अंदर को रहेगी। ओके ग्रेट। तो ये जैसे टायर खुलवाने से एक ये भी फायदा हो जाता है। अब इसने क्या करना है पूरे में, अभी ये इसको साफ कर रहे हैं पूरे में, इसमें लगाएंगे क्या मोबिल। वेरी गुड, जंग ज़्यादा लगे होने की वजह से अब इसमें भी मोबिल लगाएंगे। उसके बाद इसको जो है हम अपने स्टील रिम में फिट कर देंगे। मैं एक ही एक टायर का आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, क्योंकि अगर तीन तीन टायर का दिखाऊंगा तो आप लोग बहुत बोर हो जाओगे वीडियो देखने में। बट आई थिंक ये सब काम अगर आप स्टील रिम्स हैं, एलॉय व्हील्स हैं, कुछ भी, इफ़ यू आर यू नो ओनिंग अ कार देन यू शुड नो हाउ दीज थिंग्स आर डन। अदरवाइज आप परेशानी होने वाले हैं जब आप ये काम कराने आते हैं। तो ये हो रहा है एकदम सही वाला सीन। ये अब हमारा लगभग आई गेस तीसरा टायर जो है लग चुका है व्हील बैलेंसिंग के लिए। तो सबसे पहले इसमें होगा टेस्ट रन। अभी इन्होंने इसे प्रॉपर्ली टाइट कर लिया है। ये टायर कवर है क्योंकि टायर में मिट्टी वगैरह आ जाती है, जनरली ये लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो मिट्टी वगैरह छटक के इनके चेहरे पे ना आए। ये शुरू हो गया है टेस्ट रन, वो देख रहे हैं आप फॉरवर्ड को, साइंस दिख रहे होंगे आपको। नाउ व्हाट विल दे डू, जो भी वेट इस टायर में ऑलरेडी लगा होगा उस वेट को रिमूव कर देंगे। तो अभी के लिए उस साइड का जीरो दिखा रहा है, साइड का 25, लेकिन अब ये एक बार फिर से रन करेंगे। तो जो अब रीडिंग आएगी उसमें उतना वेट हमें हर साइड में टायर के लगाना पड़ेगा। तो ये रीडिंग आई है ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज 15 एंड ऑन द राइट साइड इट इज 20। तो ये 20 का इन्होंने वेट लगा दिया। सो ये बैलेंसिंग होने के बाद अब हमारा टायर फिट हो रहा है। दो टायर बैलेंस हो चुके हैं, एक स्टेपनी बैलेंस हो चुकी है, अभी दो टायर उधर बैलेंस होने के बाकी हैं। ये आ गया हमारा दूसरा टायर, ये प्रॉपरली बैलेंस होके अब ये जो है गाड़ी में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। ओह माय गॉड, इट्स रियली रियली वेरी हॉट टुडे। और जब भी आप ये व्हील बैलेंसिंग काम से आते हैं, अगर अलाइनमेंट कराने आते हैं, तो अलाइनमेंट इज़ लाइक फॉर 10 मिनट्स आपका बस उतना। जब आप व्हील बैलेंसिंग कराते हो, जैसे मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स थे जो एयर लीकेज हो रहा था दिस एंड दैट, ऐसे प्रॉब्लम्स जब आ रहे हों तो एटलीस्ट यू शुड हैव 1 to 2 आवर्स, वरना उससे पहले ये काम कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अभी आप देख रहे हैं इधर भी काम चल रहा है एकदम फर्स्ट क्लास, और ये 15 का ढूंढ के लगा दिया है। तो ऑलमोस्ट व्हील बैलेंसिंग इज डन फॉर ऑल टायर्स। एक टायर बचा है वो भी हो जाएगा, 4 टायर ऑलरेडी हो गए हैं एंड दिस इज परफेक्टली फाइन। वो वहाँ पे ग्रीन सिंबल आपको दिख गया, दोनों जगह वीट 0-0 हो रहा है। अब इसमें कोई भी किसी भी तरीके की वॉबलिंग ये टायर नहीं करेगा। व्हील बैलेंसिंग का काम अपनी गाड़ी का हो चुका है, अब आ रही है अपनी गाड़ी व्हील अलाइनमेंट के लिए। तो ये अलाइनमेंट पैडल्स हैं, यहाँ पे टायर आने चाहिए, भाई इंस्ट्रक्ट कर रहा है इनको, और ये आगे तक अब ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। सो जिस भी हिसाब से गाड़ी यहाँ पे लगनी चाहिए, अब क्या करेंगे, दीज आर इंफ्रारेड सेंसर्स। ये सेंसर्स निकाल के ये इस टायर में लगाएंगे। तो ये टू
लेजर ये आपकी गाड़ी की रिपोर्ट भेजता है इसको, एंड देन देयर इज अ सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है, उससे सारे रिपोर्ट कैलकुलेट होंगे जो मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई बताइए क्या क्या यूज है अलाइनमेंट का? बैलेंसिंग कराते हैं अपनी गाड़ियों की, गाड़ी की सेफ्टी है, टायरों की सेफ्टी है और परफॉर्मेंस अच्छा है, पिकअप एवरेज सब पे पड़ जाता है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग है। अलाइनमेंट का काम टायर खाने को बंद करना है एकदम, वरना टायर वन साइडेड ख़राब हो जाते हैं। ये आपकी गाड़ी का डाटा है, वोल्सवैगन पोलो। हाँ, वेंटो का भी है, वेंटो में अगर आप डालना चाहें वेंटो में डाल सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी गाड़ी का जो है डेटा खोल रहे हैं। ये वोल्सवैगन पोलो वेंटो। अच्छा, वेंटो का। तो अभी ये क्या दिखा रहा है? अभी स्टीयरिंग रीड कर रहा है। स्टीयरिंग रीड कर रहा है। ये जो लगा ये हेड का लेवल है, ये तुम्हारे हेड का लेवल है, तो इस मशीन का लगा हुआ है। नीचे से एडजस्टमेंट करेंगे। ग्रेट ग्रेट। स्टीयरिंग रैक में एडजस्टमेंट करते हैं क्या? हाँ। जैसे कि हम देख रहे थे, ये जो है लेफ्ट साइड में हमारा अलाइनमेंट आउट हो रहा है, -1.00 -0.8 भी दिखा रहा था, तो होता है। अब इसको ये अंदर से जाएंगे जो स्टीयरिंग रैक लगी हुई है उसको टाइट एंड लूज करके इसको परफेक्ट करते हैं। अभी दोनों तरफ से बाहर को दिखा रहा है। अच्छा, तुम इस मशीन जो भी कंपनी की कार आप चला रहे हैं, फॉक्सवैगन हो गया, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी कंपनीज अपना डेटा आपको प्रोवाइड करती हैं, मतलब इन सर्विस सेंटर में प्रोवाइड करती हैं, वो डेटा यहाँ पे स्टोर करता है। उन्हीं के हिसाब से जो है ये जो है आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं। अगर आप कहो कि आपकी गाड़ी के टायर एकदम परफेक्ट है, स्ट्रेट है, नो, दैट्स नॉट द केस। यहाँ पे केस ऐसा है, वहाँ से स्टीयरिंग एडजस्ट कर रहे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो। अब प्लीज़ वेट का ऑप्शन सिस्टम ने दिखा दिया है, अब इसके बाद से हमारा जो है अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाएगा गाड़ी का। अभी ये क्या दिखा रहा है गाड़ी में? +250। अच्छा ठीक है, अब नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल फिगर प्लस में ही रहना चाहिए, माइनस में प्लस में रहना चाहिए, माइनस में नहीं जाना चाहिए, जैसे कि बता दिया है। और ये अलाइनमेंट हो चुका है, ये इन्होंने अपने सेंसर्स निकाल लिए हैं, सारा काम डन हो चुका है। तो अब हम आ चुके हैं सिंक टायर्स के अंदर। ये अपोलो के डीलर्स भी हैं आपके पास, बाइक से लेके कार तक के सारे टायर्स मिल जाएंगे, इवन ट्रक का टायर भी बाहर रखा हुआ है। तो ये हैं हमारे ओनर, तो हम भैया से बात करते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? गुरप्रीत सिंह। आपकी शॉप का नाम क्या है? सिंक टायर। सर, हमारी मशीन बेटर है, 3D मशीन है, प्लस हमारे लेबर बढ़िया है, और आपने काम तो देखा होगा, सबसे बढ़िया है। और आपकी दुकान पे अगर इजीली आदमी पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंच सकता है? सर, अगर मेवलोपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में हमारा शोरूम है, एक ही शोरूम है, अपोलो जोन। एक ही शोरूम है, रोड पे एक ही? हाँ जी, अपोलो का एक ही शोरूम है, अपोलो जोन। तो यहां पे बेस्ट पॉसिबल आपको रेट मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसी कैसी क्वालिटी आती है, कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है? सर, चाइनीज़ भी आती है, और कंपनी के साथ जो आती है वो भी आती है। जो आप पेंचर वाले के पास जाएंगे वो आपको चाइनीज़ ही देंगे। 50 रुपये की वॉल बॉडी वो आपको 250 रुपये में देंगे। ये चीज़ होता है। हाँ जी हाँ जी, शोरूम में ही लगवाइए, फिटिंग भी आप शोरूम में ही लगवाइए, ज़्यादातर फिटिंग आपकी मशीन से ही होगी। हाँ, ज़रूर मदद होगी, काम एक नंबर का होगा, जो हो सके डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भीड़ लगेगी। चलिए, हम लोगों का तो बहुत सालों से आना जाना है, मैं तो लगभग 6-7 साल से। हाँ जी हाँ जी। मुझे लगता है आपकी दुकान यहाँ पे खुली कब थी? ये
2012 में खुली थी। 2012 में। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप ज़्यादातर लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा, हाँ जी, टायर्स आगे महबुल्लापुर स्टेशन के पास में, अपनी गाड़ी के बैलेंसिंग अलाइनमेंट टायर वगैरह जो भी डलवाना है वो आपके यहाँ से। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लेट मी टेल यू वन थिंग, आफ्टर व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट, अभी मैंने तेज चला के देखा, वॉबलिंग तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है जो आ गई थी। अभी भी मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ और उसके बाद यू नो ये स्टीयरिंग बहुत लाइट हो जाता है, इतना लाइट हो जाता है कि यू नो अभी तक थोड़ा सा हार्शनेस फील हो रही थी, थोड़ा फील हो रहा था लेफ्ट को गाड़ी जा रही है, नाउ इट्स लाइक अगर मैं स्टीयरिंग स्ट्रेट छोड़ देता हूँ तो गाड़ी बिल्कुल ही सीधे जाती है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग। एंड इंडिया में मैं आपको बताऊँ, गाड़ी तो सब परचेज कर लेते हैं बट सबसे इग्नोर्ड चीज अगर कोई है तो दैट इज व्हील बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, मैं तो जनरली स्पीकिंग अलाइनमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में मैं ज्यादा ध्यान दे नहीं पाया, वरना जनरली अगर मैं कभी भी निकल रहा हूं ना, मैं तो आते जाते करा लेता हूं अलाइनमेंट। सो दिस इज हाउ यू नो यू मेंटेन योर कार, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको परेशान कर देगा, अननेसेसरी टायर वेयर होगा, यू नो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी आपको यू नो इट कॉस्ट मी रुपीज 200 फॉर अलाइनमेंट, जस्ट 200 रुपीज, और उसके चक्कर में आप अपना जो भी, जैसे मेरी गाड़ी का 4-5 हज़ार का टायर आता है, 4-5 हज़ार का टायर सड़ा देते हो, पता लगे एक तरफ से गायब हो गया टायर, दूसरे तरफ से गायब हो गया, तो ये दिस इज नॉट द वे यू नो, उसके उसमें आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। अब इतनी लाइट चल रही है गाड़ी, मैं क्या बताऊँगा। फॉर द सेम वीडियो व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग जो मैंने अपनी गाड़ी की कराई थी, मैं डे टू के लिए इसलिए इंतजार कर रहा था, मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था कि मैं टायर रोटेशन करा रहा हूँ, मेरे टायर्स में प्रॉब्लम है कि एयर लीक हो जाती है साइड से, तो अब ये टायर आप देख सकते हैं, अगर इससे अभी भी एयर लीक होती होती तो ये पूरा अभी तक बैठ गया होता, पूरा एयर प्रेशर बाहर हो गया होता, तो दैट मीन्स कि काम ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है, और उसकी वजह से अब मुझे शायद 2-4 महीने ये प्रॉब्लम नहीं सफर करनी पड़ेगी। बट आई एम थिंकिंग फॉर अलॉय व्हील्स कि अब दिस इज द टाइम, क्योंकि बहुत यूज़ कर चुके हैं, लगभग 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ही चुके हैं, तो अलॉय व्हील्स भी लगवाए जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं। बट मेरा ये मानना है, जैसे मैं आजकल देखता हूँ बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी कल्चर है कि बस अपना बेस मॉडल खरीदा फिर अलॉय लगाया, मेरा ये चीज़ है जो चीज़ आपके पास है यूज़ इट एक्सटेंसिवली, उसके बाद आपको चाहे शो ऑफ के लिए लगाने हो, चाहे जिसके लगाने हो, अच्छे लगते हैं नो डाउट, ये मैं भी मानता हूँ, तो तब आप लाए। अब मैं यूज़ करके इनकी जान निकाल चुका हूँ स्टील रिम्स की, तो अब मैं सोचूंगा भी चेंज कराऊंगा, तो उसकी वीडियो भी हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिल जाए। सो आई एम विनोद भाऊ, दिस इज विनोद, और विनोद की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट हो चुका है। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।